Uh, जैसे मैंने कहा कि आप यू आर हिटिंग द ग्राउंड यू आर रीचिंग टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट यू आर मीटिंग पीपल क्या आपको पल्स समझ में आ रही है आप जो ये कहा जाता है कि सिंपथी वेव है इस वेव को आप महसूस कर हैं या फिर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सी द पल्स ऑफ महाराष्ट्र इज नरेंद्र मोदी द वेव इन महाराष्ट्र इज अबाउट नरेंद्र मोदी एंड दिस इलेक्शन विल री इलेक्ट नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम महाराष्ट्र बिल्कुल लोगों के मन में कोई शंका नहीं है संशय नहीं है लोग तय कर चुके हैं महाराष्ट्र में कि मोदी जी को ही वापस लाना है तो ये जो सिंपत्ति वगैरह बात चल रही सिंपत्ति किस बात की मिलेगी आखिर ये पार्टियां टूटी अपनी महत्वाकांक्षा से अपने अहंकार से वो आपको जिम्मेदार नहीं, हमको जिम्मेदार मतलब क्या वो दूध पीते बच्चे अरे भाई उद्धव जी को आदित्य को आगे लाना था इसलिए अपने पार्टी के लोगों के पर काटना उन्होंने शुरू किए खुद को मुख्यमंत्री बनना था इसी लालसा में उन्होंने विचारों से नाता तोड़ दिया बड़ा साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद कर दूंगा उसी कांग्रेस के साथ आप चले गए जिन शरद पवार जी ने बाड़ा के जिंदा रहते शिवसेना को तोड़ा उनके साथ आप चले गए तो जब उनकी पार्टी के कद्दावर नेताओं के ध्यान में आया कि राजनीति ये केवल अपने बेटे के लिए चल रही है अपने परिवार के लिए चल रही है उनके पर काटने इन्होंने शुरू कर दिए तो उनके सामने प्रश्न ये था कि एक और विचारों को छोड़ दिया है हिंदुत्व को छोड़ दिया है तो जमीन खिसक रही है दूसरी ओर ये पर काट रहे ऐसे समय उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था उन्होंने जो मैंडेट इन्होंने छीना था उसको वापस किया शिंदे जी हमारे साथ आए और एक सरकार बनी वही परिस्थिति एनसीपी में भी थी एनसीपी में तीन बार हमारे साथ आने की बातचीत शरद पवार जी ने की हमेशा अजित पवार जी को आगे किया और मुंह के बल गिराया उनको विलन ठहराया क्योंकि पवार जी अपनी पार्टी को सुप्रिया जी को देना चाहते थे तो अजीत जी के भी ये ध्यान में आया कि विलन तो मुझे बनाया जा रहा है और पार्टी तो मेरे हाथ में नहीं आने वाली है और मेरे लोगों के पर काटे जा रहे हैं अब मुझे अपना अस्तित्व जिंदा रखना है तो मुझे तो अब अपना विचार खुद करना पड़ेगा तो अपना विचार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के साथ जाऊंगा तो वो हमारे साथ आए इसलिए महाराष्ट्र में ये सारी पार्टियां अहंकार के कारण और अति महत्वाकांक्षा के कारण इस प्रकार से टूटी है